हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी व्लॉग डायरी में। तो आज आप ये सब देख रहे हो तो सोच रहे होगे, आइडिया लगा रहे होगे कि मैं केक बना रही हूँ, तो मैं केक बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी स्वीट डिश जो कि बहुत ईजी है और इतनी टेस्टी है कि वो घरेलू मिठाई है और आप उसको घर में इजीली बना सकते हो बहुत ही कम सामान के साथ। और ये हेल्दी भी है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बाहर का कुछ इसमें कुछ भी नहीं होगा और इतनी टेस्टी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, पहले में जो मुझे सामान लगने वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है आटा, ये सारा आटा यूज़ नहीं होगा, जितना हमें यूज़ होगा उतना हम इसमें से लेंगे। इसको हम कर देते हैं साइड। तो यहाँ पे है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें है अखरोट, बादाम और काजू। तो आप इसमें सूखे ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने या पिस्ता, केसर, वो सब ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पास इतना ही था और इतना अच्छा भी लगता है, इनफ है, तो इसलिए मैंने इतना ही डाला है। और ये है मेरे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ले थे, तो जिसकी चाशनी बची हुई है वो मैं यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे है, इसमें मैंने सूखा हुआ नारियल, उसमें कुछ पीसेस आपको दिख भी रहे होंगे, इसमें सूखा नारियल है, सौंफ है जो मीठी सौंफ रहती है, और 4 से 5 इलायची हैं जिसको मैंने मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो यहीं पे मैंने एक बाउल लिया है, ये मैंने छलनी ली है, इसका जो जूस है इसको छानने के लिए ताकि ये अच्छे से इसमें से जूस निकल जाए और जो कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसमें हमारे नहीं आए। तो चलिए, और यहीं पे साथ साथ, इतने से में तो कुछ होगा नहीं तो आप लोग भी सोच रहे होगे, यहीं पे साथ साथ मेरे पास है रसगुल्ले, तो इसमें 2 रसगुल्ले बचे हुए हैं वो खाए जाएंगे, लेकिन इसके जूस को फिर हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं इसको इसमें डाल के छान देती हूँ पहले। तो ये देखिए इस तरह से। और जरूरी नहीं है कि ये मिठाई को बनाने के लिए आपको जूस ही होना जरूरी है, आप इसको गुड़ से बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है, या फिर शुगर से बनाइए, वैसे तो ये गुड़ से बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी रहती है। तो यहीं पे मैं ये दूसरे वाले भी हैं इनको भी छान लेती हूँ। तो ये मेरे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ले, ये मैंने दोनों मिक्स कर दिए थे, इसमें थोड़ा सा केसर था तो ये उसकी वजह से येलो येलो इसका जूस है। तो मैं ये सारे इसमें निकाल देती हूँ और ये पार्टिकल्स इसमें रह जाएंगे और हमारा जूस है वो बिल्कुल क्लीन एकदम रहेगा। तो चलो आगे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो अपना मेथड है उसको बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा विस्कर ले लिया, इससे मैं विस्क करूँगी। तो उससे पहले, ये सभी चीज़ें डालने से पहले मैं पहले इसमें धीरे धीरे आटा मिक्स करूँगी। तो ये गेहूँ का आटा है और इसको आप गेहूँ के आटे से ही बनाना, मैदा इसमें बिल्कुल भी यूज़ मत करना क्योंकि मैदा से इसका टेस्ट हो जाएगा बिल्कुल खराब। तो अभी इसमें लास्ट चीज और डलेगी, अभी तो इतनी जो चीजें दिख रही हैं वो डलेंगी ही, एक चीज और लास्ट में डलेगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो और देखते रहो, और वो किस टाइम पे डलेगी वो भी आप देखते रहो। तो इसको मैं अच्छे से ऐसे विस्क कर लूंगी, अच्छे से इसको फेंटना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और इसको हमें गाढ़ा नहीं करना है। तो किस स्टेज पे हमें इसमें और चीजें डालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फेंट लिया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, इतनी ही हमें रखनी है। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप बाजार की चाशनी, बाजार के रसगुल्लों में जैसे कि ये हल्दीराम वगैरह ये जो भी रहते हैं बहुत ज्यादा मीठे रहते हैं, तो उनकी चाशनी बहुत गाढ़ी और मीठी रहती है, तो आप इस कंसिस्टेंसी पे उसकी चाशनी में बनाओगे तो आपके जो भी आप बना रहे हो वो बहुत ही ज्यादा मीठे हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, इसके लिए हमें फिर से और आटा लेना है। तो हमें इसको थोड़ा सा और इसमें गर्म पानी या फिर ठंडा पानी डाल के, नॉर्मल पानी भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लो और इसमें थोड़ा सा पानी का यूज कर लो। तो मैं पानी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं पानी का यूज कर रही हूँ, तो ये आधा गिलास के करीब पानी है, पहले मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, सारा पानी यूज नहीं करूंगी।
उसके बाद इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से। तो मोबाइल एक हाथ में ही है, मोबाइल हमेशा एक हाथ में रह के ही वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा शेक करेगा उसको, आप इग्नोर कर देना। तो ये है, इसमें लम्स ना पड़ जाए। अब थोड़ा सा आटा और ऐड करती हूँ मैं, बस इतना इनफ है। तो अब मैं पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है एकदम। अब यहाँ पे मैं इसमें जो मैंने नारियल और ये सब सौंफ, इलायची, ये सब मिक्सर में करी है, तो आप इसको क्रश भी कर सकते हो कद्दूकस से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इस तरह से ही कर लिया इसको। आप इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लो, और साथ ही साथ अपने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दो। तो देखो कितना प्यारा सा इसका कलर लग रहा है, बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है। तो देखने में तो ये जो इसका थंबनेल देखेगा वीडियो का, तो वो यही सोचेगा कि केक बन रहा है। लेकिन इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, अगर आप थोड़ी सी वीडियो देखोगे तो आधी अधूरी जानकारी ही मिलेगी, और आधी अधूरी ही जानकारी फिर रेसिपी के बारे में भी मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें दो चीज़ें जो मेन है वो पड़ने वाली है, एक तो मैंने बताई थी और एक चीज़ और है। एक चीज़ का तो शायद आपने आइडिया लगा लिया होगा, तो दूसरी चीज़ है जो इसकी मेन है, जिससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो वो मैं बताती हूँ। तो मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी एक सीक्रेट चीज, तो ये है देसी घी। इसको आप 3-4 चम्मच अच्छे से डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। कभी आप सोचो कि ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो हर वीडियो में मेरी एक टिप्स रहती ही है, तो ये है मेरी वीडियो की, इसकी आज की टिप्स। इससे टेस्ट बढ़ेगा, प्लस ये जो बहुत ही ज़्यादा क्या क्रिस्पी भी बनेंगे, और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे बाहर से क्रिस्पी रहेंगे, और आप इसको, ये खराब भी नहीं होती है, आप इसको कई दिन तक अच्छे से बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हो। कहीं आप जर्नी वगैरह पे जा रहे हो और मीठा खाने के शौकीन हो तो ये खराब नहीं होती है, इसको आप साथ में कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पे बारी आती है मीठे सोडे की, तो बहुत लोग मीठे सोडे को ऐसे ही डाल देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, तो ये भी एक टिप है, इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें और जल्दी से इसको ऐसे अच्छे से हिला के ऐसे ऐड कर दें उसमें। इससे क्या होगा, आपका जो मीठा सोडा है ना इक्वल मिक्स होगा, और आप पाउडर डालोगे ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, अब ये इक्वल मिक्स हो जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो। और अगर आपको टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ोगे तो ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे बाहर से क्रिस्पी रहेंगे। तो इसको मैं भी थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। तो ये यहाँ पे ना अच्छी तरह से फूल चुका है, और इसको मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप देख भी रहे हैं इसमें बबल्स जैसे आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब वैसे तो हमारे मम्मी के जो घर में बनते हैं तो वो लोग थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, या मेरे ससुराल में भी बनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेरा आइडिया मिक्स है। और वो लोग क्या करते हैं, नाइट में ही इसको मिक्स करके रख देते हैं और सुबह बनाते हैं, या फिर सुबह मिक्स करके रात में बनाते हैं। तो मैंने 2 ही घंटे के लिए छोड़ा था, और इसमें बबल्स अच्छे से आ गए हैं। तो ये इसको हम लोग गुलगुले पूड़े वो बोलते हैं, तो पूड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का रहता है, ये है गुलगुले, बहुत छोटे छोटे स्टाइल में, और छोटे छोटे टाइप के हैं, और मेरे स्टाइल में है, कुछ इसमें चीज़ें मेरे स्टाइल से मिक्स की हुई हैं। तो आप वीडियो को अभी देखते रहो, और इसको कैसे बनाते हैं बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस की फ्लेम को मैंने अभी तेज किया है। तो अगर आप घी में खाना चाहते हैं आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, और कढ़ाई आप कोशिश करना लोहे की लो, तो ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, मैं कुछ भी फ्राई करने के आइटम ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, तो ये हेल्दी रहते हैं और चिपकता भी नहीं है। इसका रीज़न एक ये रहता है कि लोहे की कढ़ाई में चिपकता नहीं है, हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। और ऑयल को आपको तेज गैस पे नहीं रखना है, सिर्फ ये
एक बार हीट होने के लिए हमें गैस की फ्लेम को तेज रखना है, उसके बाद इसको कम फ्लेम पर ही पकाना है। हाँ, तो इसको ऐसे बनाना है, हाथ में थोड़ा सा ऐसे आपको पानी लगाना है दोनों हाथों में, और इस तरह से इसको लेना है और इसको एक ऐसी शेप देनी है आपको, छोटी बड़ी जैसी भी हो इस तरह की शेप देनी है। तो अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको अभी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो इस तरह से हाथ में पानी लगाना है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करना है इसकी शेप को, और इसको साथ के साथ आपको डालना है। तो अब मैं डाल रही हूँ, तब आपको बताती हूँ। इतना देर इसको हाथ में नहीं रखना है इस तरह से, और ये इस तरह इसको डाल देना है। तो ये फटाफट डालते रहते हैं, हाथ में पानी लगाओ और फटाफट इसको इस तरह से डालते रहो। तो मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ, इस तरह से ये रहेगा और इस तरह से फटाफट से पानी लगाना है और इस तरह इसमें छोड़ देना है। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाना है क्योंकि ये फूलता है, इसमें सोडा भी है। तो इसके लिए इसको ऐसे रखना है, और गैस की फ्लेम को अब इस टाइम पे मैं कम कर देती हूँ, तो ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें और अच्छे से पक जाएं, क्रिस्पी भी होने लगे। तो इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से सिक रहे हैं बहुत अच्छे से, और एक भी फटा भी नहीं है। तो इसको ऐसे ही आप आराम आराम से सिकने दो, और सिकने के बाद सच में ये इतने टेस्टी लगते हैं बहुत। इसको वैसे ठंडा खाने में बहुत मज़ा आता है, जितना ज़्यादा इसको आप बासी करके खाओगे ना बहुत ही अच्छा लगता है। इसको गरम गरम खाने में उतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन ठंडा खाने में सच में लगता है ना इससे अच्छी कोई मिठाई नहीं है। और एकदम घरेलू प्योर बनी हुई हाथों से, घर के घर में बनी हुई, खुद के हाथों से बनी हुई एकदम प्योर मिठाई है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, वो शायद आपको किसी वीडियो में ना मिले या कोई ना बताए, तो अगर आप चीनी के बनाते हो इसको, तो वो क्या होता है, क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं। और गुड़ वाले आप बनाते हो तो वो टेस्टी ज़्यादा बनते हैं। तो अब आप सोच में पड़ जाओगे कि हम गुड़ वाले बनाएं या चीनी वाले बनाएं, तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा गुड़ ऐड कीजिए और थोड़ी सी चीनी, तो आपको दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है वो एक ही उसमें मिल जाएगा। तो ये भी एक टिप है। तो अभी इसको मैं, फ्राई हो चुके हैं, बस निकाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ब्लैक होने लगेंगे। तो ये देखिए, ये बनकर यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इनमें कुछ को थोड़ा डार्क ब्राउन किया है, कुछ को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया है। तो ये वाले क्या होते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, थोड़े से कम क्रिस्पी बनेंगे। और वीडियो को अभी एंड करती हूँ। और अगर मेरे वीडियो का बताने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, या फिर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जितना भी हो सकेगा हेल्दी फूड और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स के साथ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी और कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो बाय बाय, वीडियो को एंड करते हैं।